जो भी तुम उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गिरा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक स्टोर चुनो, कोई भी स्टोर। अगर तुम्हें बेस्ट बाय मिला तो मैं लिटरली यहाँ से चला जाऊंगा। गैस स्टेशन। ठीक है, तो हम हैं यहाँ शीट्स पर, तुम्हें ये मिला, जो भी तुम इस पेट्रोल पंप से उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। मैंने नहीं किया, मतलब अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। वो गिरा दिया ना। हाँ यार, क्या मैं इसके लिए बैग नहीं ले सकता एक? हाँ, सब वापस रख दो। मुझे बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। थैंक्स। ये है चैंडलर का भाई जैक। सब लोग ठीक ठाक हो? चैंडलर का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था तो जैक उसकी जगह आया है। मैं तुम्हें चिट्ठी निकालने नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम चैंडलर के भाई हो। तुम्हें कहाँ जाना बताओ? बेस्ट बाय। चलो बेस्ट बाय चलते हैं। हम जा रहे हैं बेस्ट बाय। जो भी तुम उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा, लेकिन एक भी आइटम नीचे गिरा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे दोस्तों चैंडलर का भाई बहुत लंबा है, साथ ही उसका नाम है, तो उसे चैंडलर का भाई मत बुलाओ, ये गलत बात है। जैक, तुम्हारे पास सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा है? सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप? हाँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। मुझे कंटेंट चाहिए, इसे मुफ्त में चीजें चाहिए, तो ये विन-विन है। पर तुम्हें हमें चैनल के बारे में कुछ बताना। क्या उसने कभी पैंट में पॉटी की है? कह सकते हैं शायद उसने कभी मिस कर दिया, उसे कुछ और करना था। ऐसी चीजें हमेशा रहती हैं। ओके। $149 की HDMI केबल। हाँ क्यों नहीं, खोल के देखते हैं। ओ, ये इसका ध्यान रख रहा है। तुम्हें ये चाहिए? वेल, तुमने इसे छू लिया है तो अब ये तुम्हारा है। क्या तुम्हें ये भी चाहिए? इसके लिए येटी कैस्टर भी ले लो, ये वाला अच्छा है। हे, तुम्हें गूगल होम चाहिए? नहीं, मुझे सरकार अपने घर में नहीं चाहिए। देखते हैं, अगर इसने कुछ गिराया तो मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। गैरेट ने गिरा दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस बंदे ने 3,000 पकड़े हैं। तुम्हारे हाथ कैसे हैं ठाकुर? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? ना। क्रिस, क्या तुम मेरे लिए ऐसे वीडियोस बना सकते हो? मेरे पैसे नहीं लगेंगे तो मुझे मजा आएगा। मेरे पास भी ऐसे कमाल के मर्च हो बेचने के लिए। सच में इन्हें खरीदने चाहिए। तुम्हें ये $300 के टूथब्रश चाहिए? हाँ। रुको रुको, यहाँ ऊपर सामान है, ये सिक्योरिटी वो कर लेगा। तुम्हें यहाँ पर चाहिए? मैं वहीं पर रखने वाला था इसे। ठीक है, हम इसे यहाँ रख देंगे। ये रहा तुम्हारा $300 का टूथब्रश। ठीक है, तुम्हारा हो गया। हाँ ओके, उसे यहाँ रख दो। ठीक है, इसे नीचे रख दो, ये बस एज को टच हो जाए। दोस्त आज ये स्क्वाट किया है, नीचे स्क्वाट नहीं कर सकता। स्क्वाट, स्क्वाट। हाँ रख दिया, ये हो गया। हाँ हो गया, और कुछ गिरा भी नहीं। ठीक है, 10% डिस्काउंट, ये हुआ आपका टोटल अमाउंट। नहीं, कितना वाटरी? $7,000। ये तुम्हारे पैसे हैं? शॉप मिस्टर बीस्ट पर खरीद लो। मैं नहीं दिखाने वाला कि मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा और इस जगह से निकल जाऊंगा, समझे? प्रॉमिस करो तुम हुडी खरीदोगे। एक्चुअली जरा पैसे देना, एक हुडी खरीदो। अगली बार मुझे तुम मिस्टर बीस्ट के मर्च में देखना। मैं वो लाल जोकर वाला लूंगा, वो मेरा फेवरेट है। तो ये कितने का है? 71, 30, 31। ठीक है, इतने में हो जाएगा? हो सकता है, लगता तो है। तो कैसा लग रहा है, तुमने बहुत कुछ खरीदा है? कितने का है? 7,000 के आसपास। कमेंट, कौन बेहतर है, जैक या चैंडलर? चैंडलर, तुम जो भी उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। जो भी मैं उठाऊंगा पैसे मैं दूंगा। ये मैं कितने का हूँ भाई? ठीक है, तुम इसे नीचे नहीं रख सकते हो, नहीं तो हार जाओगे। ये मजाक था, ये बहुत भारी है। कहाँ पर है? चैंडलर, तुम इस चैलेंज के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता था, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, इसने इसे उठा लिया है, ये इसे नीचे नहीं रख सकता। अगर ये जमीन को छुआ तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। LED स्ट्रिप्स चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये $30 का है। ओह, ये टीवी ले लो, ये इतना भारी नहीं दिख रहा है। हाँ सही कह रहे हो, तो ये नहीं, ये बंदा रॉयल बैटल में था, ये किताब खरीदो। हाँ सही है यार, ये लो, परफेक्ट। इस वॉलमार्ट की जय हो, मुझे इतनी बार वॉलमार्ट से बाहर निकाला गया है, पर ये वाला एकदम मस्त है। ठीक है। ओ, तुमने छू लिया, क्या ये गलती से हुआ? हाँ शायद। थोड़े चाकू भी खरीद लूं? हाँ। ओ, तुमने छू लिया, अब तुम्हें वो खरीदना पड़ेगा। चैंडलर, तुम्हें कुछ पेंजोइल चाहिए? नहीं, मैं इतना लिखता भी नहीं हूँ। इस बास्केट में कितने का है ये? मुझे लगता है तुमने अच्छा किया, तुम्हें वो टीवी भी लेना चाहिए था। रास्ते से हट जाओ, चलो हटो। परेशान कर रहे हो मुझे। कैसे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। बस एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये जो भी उठाएगा वो मैं खरीदूंगा। ठीक है, हम लोग आपको शूट के लिए अलाउ नहीं कर सकते बिना परमिशन के। कैसे ना, हम पैसे खर्च करने पर वीडियो बना रहे हैं और ये लोग हमें बाहर निकाल रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? तो चैंडलर, तुमने $1,800 खर्च किए? हाँ यार। ईथन हमारे दूसरे एडिटर को मिली फूड लाइन की चिट्ठी, और हम सबको पता है राशन की शॉपिंग इतनी मजेदार नहीं होती, तो इसे मैं आगे भगाने वाला हूँ पर कुछ रॉक म्यूजिक के साथ। तुम जानते हो ना बेस्ट सीरियल कौन सा है? साथ में बोलेंगे, तीन पर, 1, 2, 3, कैप्टन क्रंच। तो ईथन कितने खर्च किए? ग्रैंड टोटल हुआ है $106। छी, बस तुम इतना ही उड़ा सके? बस $100 क्या यार, हम डिस्काउंट फूड स्टोर में मुझे फर्क नहीं पड़ता। गैरेट, एक स्टोर चूज करो।
तुमने निकाला है एडम एंड ईव, तुम्हें पता है वो क्या है? शायद वहाँ बाइबल मिलती होगी, है ना? हाँ, वो धार्मिक चीजें बेचते हैं क्योंकि वो एडम एंड ईव है। मैं किंग जेम्स के बारे में पढ़ने के लिए बेताब हूँ। I like it. यार मुझे लगा था अंदर सिर्फ बाइबल्स होंगे, लेकिन वहाँ बाइबल्स नहीं थे। चैंडलर, चैंडलर, रुको 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 रुको, आंखें बंद करो। चैंडलर को यहाँ आना अलाउड नहीं है। हे गैरेट, तुम्हें शायद ये लेना चाहिए, इनके पास फैंसी पिंग पोंग पैडल्स है। ओके, अब हमें काफी पिंग पोंग खेलना होगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैं पिंग पोंग चैंपियन था। मुझे चैंडलर को बाहर बैठे देख कर बहुत मजा आ रहा है। उसकी तरफ देखो तो वो कैसे बाहर से देख रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा गैरेट, तुम जो भी चीज उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। ये है तुम्हारा छोटा पिंग पोंग पैडल, ये कैसा है? ओह, ये क्या है? मुझे नहीं पता। ए गैरेट, यहाँ पर मत आना और इस जगह को मत दिखाना, ब्लर कर दो इसे। लो ये लो। ठीक है। मुझे मेड्स अच्छी लगती हैं। क्या सच में? हाँ। ऐसा ही कुछ। ये क्या है? क्या ये मिस माउस की ड्रेस है? हाँ, मुझे चुईया पसंद है। चैनल चैनल मुझे कॉल कर रहा है। गाइस, लोग मुझे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। बाहर ही रहो। ठीक है। Hey, तुम्हें ये लेना चाहिए, इसको बोलते हैं जैक हैमर मल्टी सेंसेशन और ये $600 का है। ठीक है। ठीक है, काउंटर पर चलो। तुमने कहा था ना महंगा चाहिए, तो ये जैक हैमर सही है। That's it. मैं बाहर जाकर चैंडलर के साथ खड़ा होता हूँ, ये मेरे लिए पाप है। कितना टोटल हुआ? $1,069। बहुत ही सारी बाइबल्स है। बच्चों ध्यान रखना, एडम और ईव बाइबल्स का कोई लेना देना नहीं है। गाइस, मुझे लगता है अब मेरी बारी है चुनने की। डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, लगता है हम डिक्स पर जा रहे हैं। हम गैरेट के साथ भी वहीं गए थे ना, समझे? ये एडम एंड ईव की वजह से तो हम हैं यहाँ डिक्स पर। इसे ब्लर क्यों नहीं किया? चलो चलते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर प्लान क्या है? मुझे एक हैट लेनी है, वो हैट जो मैं हमेशा पहनता हूँ, मुझे वो हजारों में चाहिए। ग्रे वाली ले लो। है एक ही बची। हाँ यार, ब्लैक चाहिए? जिमी गर्मी बहुत है, मुझे कुछ शॉर्ट्स चाहिए। चैनल अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझ पर फेंक दो। हाँ, ये लो। किसी को स्पैंडेक्स चाहिए? मुझसे दूर रहो। बता दो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। चैनल, मैं उन दिनों को मिस करता हूँ जब हम बेसबॉल खेलते थे। ये लो। चलो खेलते हैं। क्या ये लो और सामान? क्या बैटिंग ग्लव्स लेने चाहिए? चलो थोड़ा बेसबॉल खेलते। तुम्हें हेलमेट चाहिए? नहीं। कैसा लग रहा है खुद के चैलेंज में पार्टिसिपेट करके? मस्त। सच कहूँ तो मुझे मुफ्त की चीजें पसंद है। पर तुम ही तो पे करने वाले हो। एनीवेज, इसमें डाल दो। मेरे हाथ थक गए। ओ, ये नीचे गिर गया। मुझे याद आया, इसके पैसे मैं ही देने वाला हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपका टोटल हुआ है $1,326.52। अब जब इतने बैट खरीद लिए हैं तो चलो बेसबॉल खेलते हैं। बहुत बढ़िया। जोर से मारो। वाह, क्या बात है। लवली जिमी। ओके, बस इतना ही खेलना था। क्रिस, इस हैट में से एक स्टोर निकालो। जो भी निकालोगे हम वहां जाएंगे। जो भी तुम स्टोर से उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। क्या आया है? क्रिस ने निकाला है पार्टी सिटी। ठीक है क्रिस, चलो पार्टी सिटी। सही है, मैं हैलोवीन के लिए 40 भेस बदल सकता हूँ। क्रिस, यहाँ बहुत सारे आइटम्स हैं जो तुम ले सकते हो। क्रिस ने निकाला है पार्टी सिटी, जो बहुत ही बोरिंग है, मैं इसलिए भगा रहा हूँ। चलो चलकर मजे करें। क्या हाल है दोस्त? यहाँ पर क्या चल रहा है? गॉश, चैनल शांत हो जाओ। नहीं हो सकता। बिना देखे हैट में से एक स्टोर निकालो। क्या आया? वॉलमार्ट। जेक ने निकाला है वॉलमार्ट। हम वहाँ वापस जाएंगे। चैनल को भी वॉलमार्ट मिला था और उसने बस $1,800 खर्च किए। इतना ही? मैं ज्यादा नहीं उठा पाया, उसे हरा दूंगा। चलो अपनी शॉपिंग पर चलते। पीछे आओ। ओके जेक, हम वॉलमार्ट में हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जो भी तुम उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। अगर जमीन को कुछ टच हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गिफ्ट कार्ड नहीं लेना। अब तुम्हें लेना पड़ेगा। दोस्त, इसे क्यों उठा रहे हो? अब तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुमने इसे छू लिया। क्या तुम सीरियस हो? तुम मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें इतनी अच्छी हुडी कहाँ से मिली? इसे लिया shopmrbeast.com से। क्रिस, तुम्हारे डोरा कॉस्ट्यूम के पैसे किसने दिए? मैं जानना चाहता हूँ। इस मस्त फ्रॉस्टेड बीस्ट हुडी ने जो तुमने पहनी। थैंक यू। और इस पार्टी बीस्ट ने। देखो चैंडलर को क्या मिला। अरे यार, खेल खल्लास। हमारे पास है डबल स्ट्रैप। मुझे पता नहीं अगर तुमने ये देखा कि नहीं, लेकिन गैरेट ने एक बीफ जर्की गिराई थी और वो हार गया क्योंकि उसने एक चीज गिरा दी। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। Okay. देखो, शायद तुम्हें इस प्लंजर की जरूरत है। हमेशा लेता हूँ, सबसे पहली चीज लेता हूँ प्लंजर। प्लंजर, तुम पॉटी करते ही इतनी हो। बच गए। अच्छी किस्मत है। ओ, ये कितने का है? वाह, ये देखो। क्या, एक सेकंड, क्या मुझे मिलेगा एक सिकेरो? चलो, बहुत बढ़िया। बात क्या बात है? तुम्हें ये भी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? मैं जा रहा हूँ काउंटर पे। हम देखते हैं,
अब तक $2,000 खर्च किए हैं। बोला था ना चैंडलर को हरा दूंगा। तो ठीक, यहाँ पर जैसा कि देख रहा है, यहाँ पर है एल और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरे कलेक्शन के साथ रहेगा। कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। मैं तो पार्टी सिटी में गया था, मेरे पास दो कॉस्ट्यूम है, पता है। थैंक यू, मैं ये एल ले लूंगा। मेरे पास वैसे भी बहुत है। ओके, जेक ने 2,500 खर्च किए हैं। मैं हूँ चैंपियन। क्रिस, अब तुम्हारी बारी है, एक स्टोर चुनो। फ्यूजन स्केट शॉट्स। क्या तुमने पाद मारा? ठीक है, फ्यूजन आया। अरे बाप रे, मेरी कार में गटर जैसी स्मेल आ रही है। आपका स्वागत है। हम लेंगे स्क्वाट सनग्लासेस और फिर शायद हम लेंगे ये ब्लाउज, क्योंकि मैंने इसे छू लिया। इसे पकड़ने की जरूरत नहीं। देखो, मैंने बिना सोचे समझे इसे ऐसे ही उठा लिया था और अब ये मेरा हो चुका है। बस अब आगे बढ़ते हैं। बड़े क्यूट लग रहे तुम। थैंक्स मैन। अरे देखो डॉगी, अगर मैंने इसे छुआ तो ये मेरा हो जाएगा। नहीं, मैं अब 5 सनग्लासेस खरीदूंगा। ठीक है, मैं माँ को कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। हे मॉम, कैसी हो? मैं कैमरा उस तरफ कर रहा हूँ, मुझे बताओ डैड को कौन सा वाला चाहिए? सबसे नीचे वाला। हाँ। थैंक्स मॉम। मेरे लिए क्या ले रहे हो? पता नहीं, आपको क्या चाहिए? मुझे सर्फ बोर्ड चाहिए था। ले लो क्रिस, ये आपके लिए एक सर्फ बोर्ड ले रहा है। सर्फ बोर्ड ले लूंगा। लव यू बेटा। लव यू टू, बाय। तो मैंने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया, डैड से पूछा उन्हें क्या चाहिए। सनग्लासेस इजी, पर मॉम उन्हें चाहिए सर्फ बोर्ड। ये बहुत भारी है। ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो इसका ब्लेम अपनी मॉम पर डालना। क्या हम शूटिंग रोक कर इसके साथ खेल सकते हैं? वो बेकर बोर्ड उठाओ। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला लेफ्ट में जो है, जगह नहीं है यहाँ पर, संभल के गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो शॉर्ट्स को ऊपर रखो। चेकआउट 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 चेकआउट। ओके, ये सच में कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, बस इसे सर्फ बोर्ड पर रख दो, हम सर्फ बोर्ड पर चीजें रख सकते हैं। बस अब सामान रखना बंद करो, बहुत भारी हो रहा है। और ये काउंटर पर पहुंच गए। ये एक स्केट शॉप है, तो यहाँ पर रैंप के ऊपर स्केट करना तो बनता है, वो भी सामान के साथ। अगर कुछ गिरा है तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है क्रिस, कुछ भी गिराना मत। मेरी कमर टूट गई यार। मेरे अखरोट पर भी लगा। गाइस, सनग्लासेस बच गए, हम ठीक हैं। ठीक नहीं है, मेरी टांगों के बीच में कुछ लगा है। क्योंकि तुमने अपने अखरोट तुड़वाए, तुम ये सब रख सकते हो। याद रखना, अगर गिराने के बाद भी चीजें रखनी है तो अखरोटों का बलिदान देना होगा, है ना। हमारी एक फ्रीलांसर एडिटर है, प्लीज एक स्टोर निकालो। देखना नहीं, देखना नहीं। नहीं, क्या क्या है, मुझे दिखा। इसमें लिखा है डॉलर ट्री। डॉलर ट्री लिखा है, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। तुम्हारा गेम प्लान क्या है? मेरा गेम प्लान है कि मैं वहाँ से सबसे एक्सपेंसिव चीज उठाऊँ जो $1 का हो। जो भी तुम उठाओगी वो तुम्हारा होगा। अब ये लो बास्केट, ठीक है। और अच्छा है, 2 बकेट उठाई। इथन के लिए भी कुछ ले लेना। ओह माय गॉश, इथन के लिए क्या लूं? डॉग फूड। ठीक है, हम लोग ईस्टर पार्टी करने वाले हैं, तो मुझे बहुत सारे चिकन चाहिए। इसे कुछ गिराने मुझे ईस्टर बास्केट बनाने में मजा तो आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ईस्टर कब है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी हैप्पी किस लिए? देखो यहाँ पर क्या है, ये इथन जैसा दिख रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा इथन के जैसा कौन सा है? ये इथन है। क्रिस, तुम्हारा इथन के बारे में क्या ख्याल है? इसे वो एडिट नहीं करने वाला, इसे जो चाहे बोल सकते हो। इथन का मुंह पिछवाड़े जैसा है। फ्रोजन टैटूज नहीं, ठीक है, वापस रखो इसे। ओके, आई एम सॉरी। ये गेम पार्टी का मेन अट्रैक्शन होगा, 6 साल और उससे बड़ों के लिए। चैंडलर, ये तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें इसे समझने में 6 साल लग जाएंगे, पता है। चलो इस डॉलर स्टोर से निकलते हैं, हमारे यहाँ चलते हैं, हमारे वाला बेहतर है। ये हो गया। तो है ना, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। क्या इसे रखने में दिक्कत हो रही नहीं, है? नहीं, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। दिस इज फाइन।